तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कि अपन ने कार तो ले ली यार, लेकिन इसकी ईएमआई ज़्यादा आ रही है, ये घर पे एकदम रखी रखी सी लग रही है, कुछ ज़्यादा चलाने वलाने को नहीं है, और क्यों ना इससे कुछ कमाया जाए। अब कमाने का तो सोच लिया लेकिन कमाने के तरीके नहीं पता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक कार है तो आप उससे किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। आपको पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई ये एक जेन्युइन वीडियो है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ में नहीं बताऊंगा। और अगर आपको कार से अर्न करना है तो काफ़ी हद तक इसी वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कार ओनर्स की कैटेगरी दो टाइप्स की होती है। पहली ये रहा, ये बड़ा सांप। ओ बाप रे, क्या सांप है यार। नहीं, कोबरा नहीं, पानी वाला है। पानी वाला है, ब्रेक कैसे चल रहा है उस पे तो ध्यान रखना यार। मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ जरा, खेल कितने अच्छे से रहा है वो। चल अभी वीडियो बनाते हैं। तो हाँ, तो भाई सांप आ गया था, इसीलिए असुविधा के लिए हमें खेद है। तो हम कहाँ थे? हाँ, कार ओनर्स भाई दो टाइप के होते हैं। पहला तो वो जिनके पास होती है पीली नंबर प्लेट की गाड़ी, बोले तो कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल कार। और दूसरे वो होते हैं जिनके पास होती है वाइट नंबर प्लेट की गाड़ी, जिसे बोलते हैं पर्सनल व्हीकल या पर्सनल कार। तो सबसे पहले तो भाई देखो, हालांकि ऐसा नहीं है कि येलो नंबर प्लेट से वाइट नंबर प्लेट पे आना संभव नहीं है या वाइट नंबर प्लेट से येलो में आना संभव नहीं है। संभव है, लेकिन उसमें आरटीओ में करनी पड़ती बहुत सारी जद्दोजहद और प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इतनी हेडेक लेना नहीं चाहोगे, क्योंकि भाई कमाने के तरीके दोनों में हैं कि वो चीज़ करवाने से बढ़िया है कि आप जहाँ हो जैसी आपने गाड़ी ली है वैसे ही उसे यूज करो। क्योंकि कई बार भाई वाइट नंबर प्लेट वाले सोचते हैं कि यार कॉमर्शियल व्हीकल बनवा लेता हूँ, उसमें पीली नंबर प्लेट ले लेता हूँ, पर भाई उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आपको जगह जगह पर टोल ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो आपको इंश्योरेंस महंगा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। डिटेल में अगर उस पर वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर कि मतलब पर्सनल व्हीकल से कॉमर्शियल व्हीकल कन्वर्ट कराने में क्या नुकसान है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। खैर, पर अभी हम बात करते हैं इन दो कैटेगरीज में से। सबसे पहली जिनके पास येलो नंबर प्लेट की गाड़ी है। अब देखो, येलो नंबर प्लेट की गाड़ी वाले तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गाड़ी लेते समय सोच के रख लेते हैं कि भाई इस गाड़ी को अपन को लगाना है कमाने में। पर्सनल यूज़ तो गया भाड़ में, अपन इससे कमाएंगे एकदम मस्त कायदे से। अब कमाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, उनमें से मेन तरीका है कि आपको अपनी गाड़ी रेंट पे देनी पड़ेगी। अब रेंट पे देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप उसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में दे सकते हैं, और आप उसे किसी ट्रेवल एजेंसी में दे सकते हैं, ठीक है। आप खुद की ट्रेवल एजेंसी चला सकते हैं। सबसे पहले तरीके में बात करता हूँ कि यदि आप उसे गवर्नमेंट ऑफिस में देने की सोच रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए निकलते हैं टेंडर्स। आपको टेंडर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब निकलते हैं। आपको एक रोजगार समाचार करके न्यूज़पेपर आता है, उस पर या फिर ई टेंडर्स, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिस पर ई टेंडर्स भी रिलीज़ होते हैं, तो आप वो भी और उसमें देख सकते हैं कि भाई उनके पास है किस गाड़ी की डिमांड। मैक्सिमम यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में हायर करवाने के लिए गाड़ियां लेने चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कलर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कलर मैक्सिमम वो लोग वाइट प्रीफर करते हैं ऑफिसर्स, कि वाइट कलर की गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे वो सेडान हो, चाहे वो एसयूवी हो। हैचबैक और सेडान वगैरह एक बहुत ही प्रीमियम हायर लेवल के ऑफिसर्स में लगते हैं, जैसे आईएएस वगैरह या फिर कोई स्टेट का बहुत मेन ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है यहाँ पे। और थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि बोलेरो वगैरह हो गई और इनोवा हो गई, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें ट्रेवल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती वहाँ पर यूज़ होती हैं। अब मेनली मैंने क्या देखा है, यदि आपको गवर्नमेंट ऑफिस में गाड़ी लगानी है तो वहाँ पे कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ मैंने देखी है। पता नहीं दूसरी गाड़ियों से क्या दुश्मनी है। पहली बात तो वाइट कलर की होती है, दूसरी एक तो बोलेरो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चलेगी, दूसरी वहाँ पे इनोवा काफ़ी अच्छे से चलेगी,
और तीसरी ये पहले इंडिका चलती थी, बट अब आजकल अल्टो चलने लग गई है, टियागो ऑब्वियसली उसकी जगह पे नहीं चलती। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर किसी ऑफिसर से आपकी पर्सनली जान पहचान है और ऑफिस में बात है तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पे लगवा सकते हैं और आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का वो आपको पे कर देंगे। खैर ये तो रही एक बात जहाँ पर टेंडर हायर करते, बट वो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो दूसरी चीज़, आप अपनी गाड़ी को कहाँ पर रेंट पे लगाएंगे वो है भाई ट्रेवल एजेंसी। तो आप अपने घर के आसपास अपनी सिटी में ट्रेवल एजेंट से बात कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है जो कि इतने इतने सीटर है, अगर आपके पास कोई बुकिंग हो या इससे रिलेटेड कोई काम हो तो आप हमें बताएं। तो वो आप अपना एक कार्ड बना करके उनको दे आएँ और वो आपको जब भी ऐसी गाड़ी की आवश्यकता उनको होगी, कोई बुकिंग होगी, तो आप अपना रेट बता दें कि भाई पर किलोमीटर हम इससे कम में नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़, यदि आपके पास छोटी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी माइलेज देने वाली कोई मारुति की गाड़ी, फॉर एग्जांपल अल्टो है या फिर बलेनो है, ऐसी कोई सी गाड़ी है, तो आप उसको ओला या उबर में भी मतलब एज ए टैक्सी चला सकते हैं। ड्राइवर आप खुद रहेंगे तो बेस्ट है, दूसरे ड्राइवर से मत चलवाइएगा, गाड़ी बिगाड़ने वाली बात होती है, और खुद की गाड़ी की केयर खुद ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। चौथा तरीका जो कि काफ़ी कम लोग करते हैं, कि जूम कार वगैरह जैसे जो कंपनीज़ हैं इन्हें आप अपनी गाड़ी रेंट पे दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइप वो लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियाँ खुद ही खरीदते हैं, लेकिन कई बार वो रेंट पे भी देते हैं, आपकी गाड़ी कोई और चलाएगा। तो मतलब कि कुल मिला के अपनी गाड़ी से कोई आपका पर्सनल कनेक्शन ना हो तो वहाँ पे दो, और उसकी डिटेल्स आप यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे कैसे आप अपनी गाड़ियों को जूम कार में लगा सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे भाई कॉमर्शियल व्हीकल वालों के लिए। अब भाई जिन लोगों के पास वाइट कलर की नंबर प्लेट है, हाँ, तो सबसे पहली बात, आप जब भी कहीं जाओ है ना, तो एक मतलब पर्सनल लोग जिन्हें आप जानते हो, ऑफिस में हो सकते हैं कलीग्स वगैरह या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई जान पहचान वाला आस पड़ोस का, तो वो लोग यदि आपसे बोलेंगे भाई यहाँ यहाँ जाना है ले चल यार, तो आप एज ए पर्सनल व्हीकल थोड़ा बहुत उससे इधर उधर जाने के लिए आप उनसे चार्ज कर सकते हो, ये ले सकते हो, है ना। एक तो ये काम हो गया, शेयर टैक्सी जिसको बोलते हैं आजकल की भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, कार पूल कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका जो कि सबसे बेस्ट है, जिससे कि वाइट नंबर प्लेट वाले इन सारे कॉमर्शियल व्हीकल कैटेगरी की कार से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, वो ये है कि जब भी आप कहीं घूमने जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप भुवनेश्वर गए, कहीं साउथ में गए, कहीं लद्दाख गए, तो बढ़िया से वीडियो बनाओ, अपनी गाड़ी को हाईलाइट करो, अच्छे पूरे मन से वीडियो बनाओ और उसे यूट्यूब पे डालो। तो यूट्यूब से बड़ा बिजनेस या अर्निंग करने का साधन आज की डेट में कोई नहीं है, तो आप वैसे कर सकते हो। यदि आपकी गाड़ी कोई हाईलाइटेड गाड़ी है जो कि यार मतलब बहुत अच्छी डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसे सर्च कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे खुद ये चीज़ सर्च करके देख सकते हो, जो भी आपकी गाड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी इनोवा, तो इनोवा रिलेटेड कितने सारे चैनल्स हैं, तो आप अपनी गाड़ी से मतलब इनोवा के बारे में एक तो डिटेल में पहले तो चीज़ें सीखो कि उसमें कहाँ क्या है, फिर उन पर वीडियोस बना करके अपलोड कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और कुछ ड्राइविंग ट्यूटोरियल भी आप सिखा सकते हो कि भाई गाड़ी कैसे चलाएं। तो ये सारी यूट्यूब में आप वीडियोस बना करके डाल सकते हो, कंटेंट की कमी नहीं होगी, मेरे को तो हो जाती है खुद, मैं बता रहा हूँ लोगों को लेकिन आप इस तरीके के वीडियोस YouTube पे डाल करके उनते हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल से जो लोग कमाते हैं उनसे ज़्यादा आप अकेला इसी तरीके से गाड़ी से अर्न कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके कि आप अपनी कार से जेन्युइनली किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आप जिन भी तरीके को ऑप्ट करना चाहें, चाहे वो पर्सनल व्हीकल वाले हों चाहे कॉमर्शियल व्हीकल वाले हों, एक बार थोड़ा सा अपने से पर्सनल रिसर्च ज़रूर कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओवर एक्टिंग कर रहा है